मुंबई के सायन में बने राजयोगिनी ब्रजिंद्रा दादी जी फ्लाईओवर के नीचे बहुत ही सुंदर गार्डन का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन विधायक राहुल शेवाले, एमएलसी आशीष शेलार, कॉरपोरेटर राजेश शिरवाड़कर और राजश्री शिरवाड़कर ने किया। इस पुनित कार्य में पनवेल की प्रभारी बीके तारा दीदी ने कहा कि यह स्थान हमारी आदरणीय ब्रजिंद्रा दादी जी की तपस्या भूमि है, इस कारण यहाँ आने वाले लोगों को जरूर शांति की अनुभूति होगी। इस दौरान उपस्थित 200 लोगों को अतिथियों ने संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस गार्डन का लाभ लेने की बात कही। राजकोट में श्री पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज सेवकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख तौर पर श्री पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख किशोर भाई राठौड़, विधायक उदय भाई कानगढ़, विधायक रमेश भाई तिलाड़ा, पूर्व उप महापौर वल्लभ भाई दुधात्रा, कॉरपोरेटर मंजूबेन कुंगसिया, कंकुबेन उदरेजा, अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रेखा और कई सामाजिक सेवा संगठन के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए किशोर भाई राठौड़ ने कोरोना काल में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा की गई मानवता की सेवाओं की जमकर सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। किशोर भाई के अलावा सभा में मौजूद सभी महानुभवों ने भी ब्रह्मा कुमारी की निस्वार्थ सेवाओं की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान श्री पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बीके रेखा को अन्य समाज सेवियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करने का अवसर भी मिला। काठमांडू के सुविधानगर स्थित तिनकुने सेवा केंद्र के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हरेकृष्ण कार्की जी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि समाज में शांति, सद्भावना और समरसता बनाए रखने में ब्रह्मा कुमारी संस्था सबसे आगे है। उनके अलावा सांसद प्रतिमा गौतम ने कहा कि एक सच्चे समाज सेवक को ईमानदार और कर्मठ होने के लिए आध्यात्मिकता को जरूर अपनाना चाहिए। इसी मौके पर नेपाल के निदेशिका बीके राज दीदी ने कहा कि व्यक्ति की सोच, स्वभाव और संस्कार का परिवर्तन ही समाज का सकारात्मक परिवर्तन है। मुंबई के कांदिवली में ब्रह्मा कुमारी कांदिवली द्वारा व्यसन मुक्ति ड्रामा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कॉरपोरेटर कमलेश यादव, जनता परिषद के अध्यक्ष दिनेश सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता सत्यदेव सिंह ने दीप जलाकर किया। कांदिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने ड्रामा द्वारा सभी को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया। धन भी खराब, शराब करती जीवन को खराब, तंबाकू जो कर देता है सबके दिल को बेकाबू, धूम्रपान एक बुरी लत है, पूरे समाज पर मुसीबत है, तो हमको यही बताना है नशे को दूर भगाना है, नशे को छोड़ दो, अपने जीवन को नया मोड़ दो, नशे से रहो दूर, जीवन भर सुख पाओ भरपूर। इसके अलावा चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों में व्यसनों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई और साथ ही राजयोग मेडिटेशन द्वारा व्यसनों से छुटकारा मिलने की भी जानकारी दी। भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र द्वारा किम्स मेडिकल कॉलेज में वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें चर्चा का विषय रहा जीवन शैली और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन द्वारा तनाव प्रबंधन, जिस पर ग्लोबल हॉस्पिटल की बीके डॉक्टर कृष्ण बसंती और पटिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोलब दीदी, बीके मधु और बीके कुनी ने 300 मेडिकल स्टूडेंट्स को संबोधित किया। इस वर्कशॉप के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अंबिका मोहंती भी मौजूद रही और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित की गई इस वर्कशॉप को कारगर बताते हुए जमकर सराहना की।